वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज की वीडियो हम उर्दू में करेंगे ताकि हमारे जो रीजन के लोग हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, वो और डिटेल में समझ सकें। सो आज की वीडियो का मकसद है, बहुत बेसिक वीडियो है कि फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे चलाए जाते हैं। सो समझने की जरूरत है कि अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है और अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, सो आप लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनली एड्स चलाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका बिजनेस अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस अकाउंट के अंदर फिर आपका एड्स अकाउंट बनता है और फिर आपका पिक्सल इंटीग्रेट होता है। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल हैं कि आपका बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है और आपका एड्स अकाउंट कैसे बनता है। आज की वीडियो में उर्दू में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको बिजनेस अकाउंट अपना कैसे बनाना है, उसके अंदर आपको अपना एड्स मैनेजर कैसे इंटीग्रेट करना है, और फिर आप एड्स मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर आप एड्स किस तरह चला सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पिक्सल को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको शॉपिफाई, और अगर वू कॉमर्स, विक्स, किसी के ऊपर भी आपका स्टोर है, आपकी पिक्सल की इंटीग्रेशन उसके ऊपर कैसे की जाएंगी, और फिर आप प्रोफेशनली एड्स कैसे चला सकते हैं। सो सबसे पहली चीज आपको अकाउंट बनाने के लिए जरूरी है कि आप टाइप करें business.facebook.com, अपने गूगल में आप इसको ब्राउजर में लिखें। सो आपके सामने ये एक विंडो एक लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। मेरे ऑलरेडी बहुत से बिजनेस अकाउंट्स बने हुए हैं, मैं नया बिजनेस अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि बिजनेस अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एड्स कैसे चलते हैं। जिस तरह भी आपके सामने है, मेरा कोई ना कोई बिजनेस अकाउंट खुल गया, बट हम इसको गूगल के ऊपर खोल लेते हैं। सो आप लिखेंगे business.facebook.com, ये आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहां पे आप लिखेंगे क्रिएट अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। सो इस पे आप अपना नाम लिख लें, बिलाल रियाज, मोबाइल नंबर लिख लें, ये मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है बिकॉज इसी के ऊपर सारी वेरिफिकेशन और वो सारी चीजें होती है। सो इस तरह आपने ये सब किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, ये डाला, वो डाला, और आपका इस तरह से एक बिजनेस अकाउंट खुल जाएगा जिसमें आप कंपनी का नाम डालते हैं और बाकी सारी चीजें डालते हैं। सो जब आप उसमें लॉग इन करेंगे, सो आपके सामने एक ये पेज खुल जाएगा, इसमें आप सेटिंग्स पे वरना क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। सो ये इसका ओवरव्यू पूरे बिजनेस अकाउंट का, इन सारी चीजों का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि एक एक चीज क्या होती है, बट समझने की चीज सबसे बेसिक है आपका एड अकाउंट। आप एड अकाउंट पे गए, आप यहां से ऐड पे जाएंगे और ऐड एन अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन अकाउंट, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। ऐड एन अकाउंट का मतलब है कि एक ऐड अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि किसी और बिजनेस पेज में है, और उसको आप इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं। रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट का मतलब है कि आप एक एजेंसी हैं और आप अपने क्लाइंट के लिए एड्स रन करना चाहते हैं, सो आप उनसे, उनके बिजनेस अकाउंट से इसकी रिक्वेस्ट मांगते हैं। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट हम इसलिए करेंगे बिकॉज हम लोग खुद ऐड चलाना चाहते हैं, आप अपना ऐड खुद अपने पेज के लिए चलाना चाहते हैं, तो आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे। सो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, सो ये आपसे ऐड अकाउंट का नेम मांगेगा, करेंसी मांगेगा और टाइम जोन मांगेगा, और जब आप इसके ऊपर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐड अकाउंट बन जाएगा। सो सबसे जरूरी चीज हो गई कि आपको बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपको ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको पिक्सल इंटीग्रेट कैसे करना है, और मैं आपको एक बिजनेस पेज का ओवरव्यू दे दूंगा, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि शॉपिफाई को कैसे लॉगिन करना है या कनेक्ट करना है, या आपको वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन करना है। सो इस सीरीज के लिए, इफ़ यू वांट मी टू डू मोर वीडियोज इन उर्दू, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन डू मोर वीडियोज इन उर्दू, बिकॉज अदरवाइज ये सारी वीडियोज ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल हैं। थैंक यू।